नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर फेडरेशन ने डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा और उस बारे में इन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जो पेंशन इम्प्रूवमेंट के बारे में है। क्योंकि जब से ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है तब से स्टेट बैंक के जो नेता लोग हैं वो थोड़ा सा एक्टिव हो गए हैं और अपने अपने प्रेजेंटेशन भेज रहे हैं। और इस बारे में ये पत्र उन्होंने बहुत लंबा लिखा है जिसको मैं पूरा ना पढ़ के आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। और इसके लिए मैं क्लिपिंग्स या आपको लिंक दूंगा जिससे आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। पेंशन रिलेटेड इश्यूज, बी मोस्ट हम्बली इन्वाइट योर काइंड अटेंशन टू फ्यू क्रूशियल पॉइंट्स रिगार्डिंग द पेंशन रिलेटेड कंसर्न ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिटायरीज फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम। द कंसर्न हैव बीन कम्युनिकेटेड अर्लियर ऑल्सो एंड डिस्कस्ड in detail many times including CNC meetings. We understand that HR team under your able guidance is already working diligently to present these matters before the committee constituted by the Government of India, Ministry of Finance. और इस बारे में उन्होंने पूरा डिटेल बात बताई। अब जो उन्होंने मुद्दा लिखा, जो पहला non-inclusion of SBI pension issues in wage negotiation, सेकेंड पॉइंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पेंशन सीलिंग, तीसरा द इलॉजिकल एंड डिस्क्रिमिनेटरी फिक्सेशन पैटर्न, फोर्थ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द डियरनेस अलाउंस ऑन पेंशन फॉर दोज हु रिटायर्ड बिफोर 1 मई 2005, फिफ्थ पॉइंट इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल अलाउंस। फिर उसके बाद उन्होंने 6 पॉइंट क्या दिया कि अपडेशन ऑफ पेंशन आफ्टर एवरी वेज रिवीजन, 7th कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, और लास्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट फंड्स। इसके बारे में बताऊं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर इज नो कॉस्ट इंप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज सफिशियंट फंड्स आर अवेलेबल इन द पेंशन फंड कॉर्पस मोर स्पेसिफिकली नोन एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन फंड। वी बिलीव दैट एड्रेसिंग दिस कंसर्न वुड ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द पेंशन स्कीम फॉर SBI रिटायरीज, इंश्योरिंग फेयरनेस, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। वी ट्रस्ट इन योर विजडम एंड द कंपनसेशन टू कंसिडर दीज पॉइंट्स एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू रेक्टिफाई द एग्जिस्टिंग डिसपैरिटीज। थैंक यू for your kind attention to the matter. We sincerely hope for your favorable response. Sri Deepak Kumar Sharma, General Secretary. Friends, मैं प्रयास करूंगा कि इसको लिंक दूं, उस लिंक के जरिए आप पूरा का पूरा स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।